इस वीडियो में हम क्वेश्चन टाइप का अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, सब अलग अलग रूल्स फॉलो करेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि नोबडी हैज अ स्टोन इन माय पेन। तो जब सेंटेंस निगेटिव रहता है तो उसका क्वेश्चन टाइप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये शब्द जो नोबडी है ये खुद में निगेटिव वर्ड है, और जब निगेटिव वर्ड रहेगा तो इसका क्वेश्चन टाइप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये एक नियम है कि नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ये सब जो आता है आदमी के लिए प्रयुक्त होता है, उसके लिए क्वेश्चन टाइप का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा दे होता है, ठीक है। और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। लेकिन दे के साथ हैव लगता है तो यहाँ पर ही हैव लिखेंगे, तो क्वेश्चन टाइप क्या हो जाएगा मेरा पहला क्वेश्चन का, हैव दे, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का है, सिर्फ इसमें नथिंग है। नथिंग जो थिंग होता है ना, टीच आई एनी थिंग, वो वस्तु के लिए जनरली बोध करते हैं, या छोटे मोटे क्रिया मकोड़ों के लिए। तो इसका इसका ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड हो गया, नथिंग खुद में निगेटिव वर्ड है। तो इसके लिए क्वेश्चन टाइप का जो सब्जेक्ट होता है इट होता है ना, नथिंग के लिए इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। और यहाँ पर ये जो लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब वो इज लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इज इट, ये जो क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट, ये सब क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया पॉजिटिव, और ये मेरा सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव, ठीक। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये इंप्रेटिव सेंटेंस है और इसमें एडवाइस का बोध रहा है। तो जब भी इंप्रेटिव सेंटेंस होता है और जिसमें अस ऑब्जेक्ट लगा रहता है, लेट के बाद अस ऑब्जेक्ट लगा रहता है, तो इसी का सब्जेक्टिव केस, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या आता है, विल होता है। और ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है। इस क्वेश्चन टाइप का जो यहाँ पर वर्ब लिखेंगे, एब्रिविएशन ऑफ वर्ब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो निगेटिव होगा। तो जनरली लिखते हैं वोंट, विल का निगेटिव रूप क्या होगा, वोंट वी हो जाएगा, ठीक है, विल। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भी इंप्रेटिव सेंटेंस ही है, जैसे कि गो देयर, यहाँ पर ऑर्डर का बोध कर रहा है, और जब भी ऑर्डर का बोध करता है या तो रिक्वेस्ट का बोध करता है, तो उसका सब्जेक्ट इंप्रेटिव सेंटेंस में यू होता है, और इसका हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो विल आएगा। लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल हो जाएगा, ठीक। पांचवा नंबर क्वेश्चन में उसी तरह से, जैसे यहाँ पर निगेटिव बढ़ता है नोबडी, उसी तरह से पांचवा क्वेश्चन में जब भी ये शब्द हार्डली, स्कार्सली, ये सब जो शब्द आता है ये खुद में निगेटिव है, इसका अर्थ होता है न के बराबर। तो जब ये निगेटिव वर्ड हो गया तो मतलब ये शब्द, ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, स्टेटमेंट निगेटिव हो गया। और जब स्टेटमेंट निगेटिव रहता है तो उसका क्वेश्चन टाइप हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट ही लिखेंगे, और ही का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या दिया, हाइड, तो यह हाइड हो जाएगा, हाइड ही इस क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। इसी तरह से लिटिल भी क्या है, लिटिल निगेटिव वर्ड है, जब लिटिल सिर्फ लिटिल रहेगा तो वो निगेटिव वर्ड होता है, लेकिन अगर जो अलिटिल है तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा। तो जब लिटिल सिर्फ लिटिल है तो ये निगेटिव वर्ड हो गया, इसके कारण से सेंटेंस निगेटिव हो गया, और जब सेंटेंस निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टाइप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब कि इसका सब्जेक्ट सी होगा और इसका हेल्पिंग वर्ब जो दिया हुआ है वो है सी हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन टाइप हो गया, ठीक है, छह नंबर क्वेश्चन का। सातवां नंबर में अभी मैंने बताया था कि जब आ लगा रहता है, आ लिटिल लगा रहता तब वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो इसका क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट, मतलब क्वेश्चन टाइप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ हैव के साथ क्या लिखेंगे, हैवेंट, हैव के साथ हैवेंट लिखेंगे, और इसके आगे जो सब्जेक्ट लगा हुआ हैवेंट यू हो जाएगा क्वेश्चन टाइप, ठीक है। इसी तरह से ये भी है, जब सिर्फ और सिर्फ फ्यू रहता तो ये खुद में निगेटिव रहता है ना, कि न के बराबर इस तरह से थोड़ा थोड़ा का बोलता है, ठीक है। और अगर इसको पहले ए लगा रहता है, जैसे कि मैंने नौ नंबर एग्जांपल में दिया ए लगा हुआ, तो आप फ्यू पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन फ्यू सिर्फ फ्यू निगेटिव वर्ड है। और जब ये निगेटिव वर्ड है तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्वेश्चन टाइप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब क्या होगा, हाइज और मेरा ही हो जाएगा, ठीक है। और ये नाइन नंबर क्वेश्चन में ये तो पॉजिटिव वर्ड है एफ यू, तो ये मतलब पूरा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो इस पूरे जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका क्वेश्चन टाइप क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब इसका एब्रीविएशन हाइज के साथ क्या लगेगा, हाइजेंट, तो हाइजेंट लिखेंगे, और सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, है ना, क्योंकि सी दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो सी हो जाएगा। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन में है, जब दो ही ऐसा सेंटेंस बनता है टेंस का,
एक प्रेजेंट इंडेफिनिटियंस और एक पास्ट इंडेफिनिटियंस जो कि 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें पहचानना पड़ता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, सी टीचेज मी इंग्लिश, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिटियंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, या तो डू या तो डन, प्रेजेंट इंडेफिनिटियंस में। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डज, तो डज लिखेंगे। लेकिन ये पूरा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि नोट नहीं लिखा हुआ है। तो जब ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब कि नोट लगाना पड़ेगा। तो सी के साथ डज लगता है तो डजंट हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, डजंट, डजंट। और सब्जेक्ट तो यही रहेगा सी, क्योंकि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग नहीं होता। तो डजंट सी होगा इसका क्वेश्चन टैग 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, ही टाउट अस इंग्लिश, ये वी टू है, टीच टाउट आउट वर्ब का दूसरा रूप है, और जब वर्ब का दूसरा रूप रहता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, तो डिड होगा। तो ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि नोट नहीं लगा हुआ है, सी टाउट अस इंग्लिश, यहाँ पर निगेटिव शब्द नहीं है। तो जब ये सेंटेंस पूरा पॉजिटिव हो गया, और जब पॉजिटिव पूरा सेंटेंस हो गया तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव आएगा, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाएंगे, एब्रीविएशन क्या होगा, डिड के साथ डिडंट हो जाएगा, है ना, डिडंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट तो यही रहेगा ही, तो ये ही हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जो टैग्स का क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, सारे रूल्स क्वेश्चन टैग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम और भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करें। पिछले वीडियो में भी मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन टाइप का, और इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि बार बार प्रैक्टिस करने से याद भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने कि सी हैज हार्डली रीच्ड द स्टेशन। तो मैंने बताया था कि हार्डली शब्द जब भी आता है तो वो निगेटिव वर्ड है, और जब निगेटिव वर्ड होता है तो वो सेंटेंस पूरा निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कह रहा है कि वह ना मुश्किल से स्कूल पहुंचा, ना के बराबर स्टेशन पहुंचा। तो जब सेंटेंस निगेटिव होता है, या हार्डली वर्ड निगेटिव हुआ तो सेंटेंस निगेटिव हो गया। जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टाइप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब कि हैज और सब्जेक्ट सी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हैज सी। इस बात को ध्यान रखो, क्वेश्चन टैग तो हो गया हैज सी, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि हमेशा क्या होता है, जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है। अगर तो यहाँ पर प्रोनाउन नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि दिस बॉय इज वेरी लेजी। तो अगर जो दिस के बाद दिया हुआ यहाँ पर रहता है मैस्कुलिन फेमिनिन दिया हुआ रहता है, तब उसके अनुसार क्या हुआ, उसके अनुसार क्वेश्चन टाइप लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉय दिया हुआ है तो हम लिखेंगे ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ बॉय मैस्कुलिन है तो ही। अगर जो गर्ल रहेगा, जैसा कि मैंने तीसरा नंबर क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिया हूँ, तो गर्ल रहेगा तो सी लिखते हैं, यहाँ पर बॉय दिया हुआ है, या अगर जो मैस्कुलिन जेंडर है तो ही लिखते हैं, क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज। लेकिन ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टाइप का जो मैंने स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं नहीं नोट लिखा हुआ है। जब नोट नहीं लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है। जब सेंटेंस पॉजिटिव रहता है तो क्वेश्चन टाइप क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कहने का मतलब कि इज के साथ इजंट लिखेंगे, इजंट लिखेंगे, है ना, इजंट ही, क्या हो गया क्वेश्चन टाइप, इजंट ही, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा, दिस गर्ल इज नॉट वेरी क्लेवर। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा गर्ल है तो सी होगा, सी, और इसका क्वेश्चन टाइप क्या होगा, इज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नोट लगा हुआ तो पूरा सेंटेंस निगेटिव है। जब पूरा सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टाइप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, इज सी। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव ए कार, ये पूरा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टाइप मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब नोट लगेगा, जिस तरह से यहाँ पर नोट लगा हुआ है ना, इस तरह से यहाँ भी नोट लगेगा, तो क्या होगा, हैवेंट, हैवेंट आई, इसका क्वेश्चन टाइप क्या हो जाएगा, हैवेंट आई। इसी तरह से इसमें क्या होगा, सी डज नॉट हैव एनी पेन, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और नोट लगा हुआ, मतलब निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव सेंटेंस रहता है तो क्वेश्चन टाइप क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, डज और सी, ये हेल्पिंग वर्ब डज और ये सब्जेक्ट सी हो गया, ठीक है ना।
अच्छा छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा, ही हैज ए फ्रेटी बुक, तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टाइप जो होगा नेगेटिव होगा, मतलब क्या होगा, हाइजेंट हाइजेंट ही, है ना, क्या हो जाएगा, हाइजेंट ही, ठीक है। और सातवां नंबर क्वेश्चन लगा लेट अस कम टू हेल्प हिम, तो यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस है और एडवाइस दे रहा है, लेट अस लगा हुआ मतलब एडवाइस दे रहा है, तो अस अस का सब्जेक्टिव किसके आता है, वी, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, शैल होता है, लेकिन शैल वी भी होगा, ये तो सेंट सेंट लिखेंगे, सेंट वी हो जाएगा, ठीक है, यस एच ए एन टी सेंट वी, ठीक है। डोंट प्ले विथ फायर, आग से मत खेलो, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टाइप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर डोंट लगा हुआ है, निगेटिव वर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव होगा, तो हम इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट लेते हैं यू, यू लेते हैं क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट जब लेट नहीं लगा हुआ रहता है, मतलब ऑर्डर का बोध होता है या तो रिक्वेस्ट का बोध होता है, यू हो गया सब्जेक्ट हो गया क्वेश्चन टाइप का, और इसका जो वर्ब लिखेंगे तो क्या होता है, बिल होता है ना, बिल यू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव दिया हुआ है, डोंट लगा हुआ है, अगर जो डोंट नहीं लगाता तो वोंट यू भी सही होगा, ठीक है। इसी तरह से गो टू द स्कूल, कहा क्या स्कूल जाओ, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसका इसका क्वेश्चन टाइप क्या होगा, वोंट यू, क्योंकि यहाँ पर ही ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्वेश्चन टाइप क्या हो जाएगा, वोंट यू, है ना, विल प्लस वोंट यू। दसवां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नोबडी विल हेल्प यू, तो जो नोबडी रहता है तो ये खुद में ही निगेटिव वर्ड है ना, और जब नोबडी एवरीबडी इस तरह से रहता है तो क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट क्या होता है, दे, और दे के साथ यहाँ पर क्या लगा, या जो हेल्पिंग वर्ड दिया विल, तो विल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर निगेटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए वोंट नहीं लिखे है। 11वां नंबर क्वेश्चन, एवरीबॉडी हैज स्टोलन माय पेन, तो जब अभी मैंने बताया कि एवरीबॉडी रहेगा तो क्वेश्चन टाइप क्या का सब्जेक्ट क्या होगा, दे, और यहाँ पर जो वर्ब लिखे वो निगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस पॉजिटिव में है, कहीं नहीं नोट लगा हुआ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन टाइप का जो हेल्पिंग वर्ब लगा वो निगेटिव होगा, क्या होगा, हैवेंट हैवेंट होगा, ठीक है, हैवेंट दे, क्योंकि दे के साथ हैव लगता तो हैवेंट दे, आई मस्ट गो देयर, तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन टाइप, मसंट आई, है ना, फिर नीचे वाला ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ही डेयर्स नॉट बीट, डू नॉट बीट हर, तो इसका क्या होगा, डेयर डेयर ही, ये क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट हो जाएगा,